प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बात कही ना कि यहाँ पे न्यू नाजीज है, जो स्टेपन बेंडरगर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजीज को सपोर्ट किया था, यूक्रेनियन जो थे उनकी, जो वो कल भी हम बात कर रहे थे, उनके जो लोग हैं, उस टाइप के जो लोग हैं, उस टाइप की जो फोर्सेज हैं, वो इसमें जो अर्बन वॉरफेयर है उसमें वो बिल्कुल इफेक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन रशिया ने प्लानिंग की है, ऐसी बात नहीं है। रशिया स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, वो डैमेज करेगा प्रेसिडेंशियल पैलेस को, इधर बम्बार्डमेंट करेगा। और जो ये जिस तरह की जो ये तस्वीरें आ रही हैं, इसके साइड इफेक्ट और भी है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिर्फ ये नहीं है कि सिंपथी गेन करो, इसमें जनता में जो हाहाकार मचती है उसका भी तो एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप को। कॉस्ट जब देखो, ये लड़ाई ग्लोबल स्टेज पे है, ग्लोबल स्टेज पे जब आप इतना, एक सेकंड सुनिए, जब ग्लोबल स्टेज पे आप कहते हैं कि वहां के लोग, चंद लोग हैं वहां पे जो खराब हैं, जिनको मैं निकालने जा रहा हूं, देश तो मेरे साथ है, वो तो मेरा हिस्सा है, जब आप बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि हमलावर तो यही है पुतिन, ये हमला कर रहा है, लोग तो इसके साथ है नहीं। बिल्कुल, ये लड़ाई ग्लोबल स्टेज पे मिनट टू मिनट पुतिन के खिलाफ जा रही है। अगर वो एकदम उसकी सरेंडर ले लेते, अपना आदमी वहां थोप देते, फिर तो वो गप चल जाती उनकी कि ये तो हमारा ही हिस्से था, इसमें कुछ यूरोप ने आदमी बैठा दिए थे। ये तो लग रहा है ये लोग आपको नहीं चाह रहे हैं, आप तो जबरदस्ती रोक रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, और यही उनका, देखिए उनका जो प्रेसिडेंट है वो टीवी स्टार है पुराना, टीवी से निकल के वो पॉलिटिक्स में आए, उसको पता है इमेजेस की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो इसीलिए वो टीवी को ऑपरेट करेगा। और ये लड़ाई सारी दुनिया देख रही है आज, और वाकई इमेजेस की लड़ाई आज की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका, अमेरिका ने शुरुआत कर दी थी इसकी। सर, हम उस चर्चा को आगे चर्चा को नहीं देखिए, दो अलग अलग छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, रशिया जो है, हो सकता है रशिया यूज्ड टू है चेचनिया में, वेस्ट ने रशिया यूज्ड टू है प्रोपेगेंडा, चेचनिया नहीं है, बिल्कुल चेचनिया में सेकंड लार्जेस्ट लोगों को मारा, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, प्रेसिडेंट पुतिन इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ, इसको प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसे प्रोपेगेंडा ग्लोबल लेवल पे नहीं कर सकता। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल सैंक्शंस आ गई, बस उससे ज्यादा वो क्या करेगा ग्लोबल, जल साहब सैंक्शंस नहीं होती, एक ग्लोबल प्रेशर होता है, उस प्रेशर में वो सोचा होगा ना पुतिन ने इतना तो। मैं आज का जमाना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, चाहे लोग कहें ग्लोबलाइजेशन इज डेड, पर इंटरनेट पूरा इंफॉर्मेशन पूरी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। और दूसरा, कल से एम्बेसडर केसी सिंह जो कह रहे हैं कि ये आज भी खत्म हो जाए लड़ाई, पर ये किस्सा खत्म नहीं होगा, पुतिन को जवाब देने पड़ेंगे अगले महीनों में, अगले सालों में, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ी है। ठीक है, अमेरिका अभी दबाव में आ गया, नेटो अभी दबाव में आ गया, क्योंकि यूक्रेन खत्म हो गया, पर फिर वो उठेंगे फीनिक्स की तरह, जैसे गोस्ट होता है, वो उठेंगे और पुतिन से जवाब मांगेंगे, दुनिया उसको ट्रस्ट करना बंद कर देगी। सो ये छोटा मोटा वो कुश्ती की लड़ाई नहीं है, दिस इज ए ह्यूज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अलॉन्ग विद डिप्लोमेसी विच मे हैव मिसफायर्ड एंड अ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन विच मे हैव बिकम मिसकैलकुलेशन। जनरल, एक चीज समझाइए कि जब एक एक आर्मी के लिए जो लड़ रही है मैदान में, उसके लिए ज़ेलेंस्की का कल का बयान और ज़ेलेंस्की का आज का बयान कितना मोराल में फर्क ला देता है? देखिए, ज़ेलेंस्की का आज का जो बयान है उससे मोराल में बहुत मोराल बूस्ट होगा, सिर्फ उनकी सेना का नहीं, जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो जैसे जो हमें जो भी अब तक इन्फॉर्मेशन है जिसके तहत की जो सिविलियन जो रिजर्विस्ट थे उनको मोबिलाइज किया है, तो रिजर्विस्ट को जो मोराल बूस्टिंग मिलेगी रियली पार्टिसिपेट करने की और प्रिपेयर करने की स्ट्रीट टू स्ट्रीट हाउस टू हाउस फाइट के लिए, उसके लिए जो यूक्रेनियंस का मोराल बढ़ा है उसमें बहुत फर्क पड़ा है। और इसीलिए रशिया अवॉइड करेगा स्ट्रीट फाइट, वॉल टू वॉल फाइट, बिकॉज फिर इसका कोई अंत नहीं है, ये तस्वीर इसका कोई दिन नहीं है। ये तस्वीर भी हम दिखा दें, देखिए एक कमरे की ये तस्वीर, ये कमरे की तस्वीर आपको दिख रही है, और उसके बाद देखिए धमाके के बाद आप बता नहीं सकते ये रहा क्या होगा। अगर आप पहले की तस्वीर न देखें तो दूसरी तस्वीर देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि वो जगह क्या है। देखिए क्या सुकून, क्या शांति साथ एक खूबसूरत से कमरे की तस्वीर, और अचानक जैसे ही धमाका होता है भीतर पूरा मलबा आ जाता है,
ये यूक्रेन के निवासियों के साथ हो रहा है, यूक्रेन के नागरिकों के साथ ये हो रहा है। घरों में रहने के लिए कह तो दिया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया शहर में, लेकिन जो इमारतें हैं बाहर से भी आप उस इमारत को खंडित देख रहे हैं, आप विध्वंस की वो तस्वीरें बाहर से भी देख रहे हैं और भीतर से भी देख रहे हैं। वो देखिए टावर के ऊपर आधे से ऊपर जाके एक हिट हुआ है मिसाइल। मेरे को लगता है ये जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फायरिंग में या तो शोल्डर फायर्ड मिसाइल वाला कोई ऊपर था जी। वहां से मिसाइल फायर कर रहा था इनके टैंक्स पे, तभी ऊपर फायर करके उसको निकाला गया। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि ये स्लो डाउन हो जाएंगी, इनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी, बातचीत तभी शुरू होगी। अगर पुतिन को लगा मैं ये शहर या तो तबाह कर सकता हूँ, बिना तबाह किए मैं कीव नहीं ले सकता, बिना इनको सबको मारे मैं नहीं ले सकता, तो वो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब वो बातचीत पे आएंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा हाँ बातचीत करो। तो इसलिए इनको रोकना जरूरी था, मेरे ख्याल इनकी स्ट्रेटजी ये रही है। कल जो वो नरम बोले उनके प्रेसिडेंट, एक तो इंटरनेशनल सिंपथी मिल रही थी, दूसरा हो सकता है रूस भी थोड़ा सा उसमें जल्द हो गया हो कि ये तो बैठ ही गए हैं, जल्दी से उनको टाउन के अंदर खींच लिया उनको। अब वो ट्रैप में लाके अब वो लड़ रहे हैं। यही मैं कल का आपको कह रहा था कि क्योंकि 6 महीने से नेटो का ये चल रहा था कि इंसर्जेंसी करेंगे, प्लान कोई होगी, ये नहीं हो सकती कोई प्लान नहीं है सारे छोड़ के भाग गए, वो इनको अंदर खींच रहे थे। अब कीव में फंसा के जब तक कीव नहीं गिरता, जब तक उनका प्रेसिडेंट की लाश या वो आप बाहर नहीं आता, तो ये जंग कैसे खत्म होगी।